मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और बॉईल कर रहा हूँ मैं इसे अब, सो इसे होने देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सूर्यांश मेरा और आप देख रहे हैं सूरी नॉटी चैनल को। सो गाइस, ये है मेरा ब्लॉग 72। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, फ्रेश हो गया और अब मैं जा रहा हूँ दुकान साइकिल से। और आज से इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है मुझे। और आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कभी 4 to 5 मील्स वाली डाइट लेता है, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बहुत पढ़ा है अभी कुछ दिनों में, तो मुझे इसके बेनिफिट्स ज़्यादा दिखे हैं। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग और उसके रिजल्ट्स अपने ऊपर देखते हैं कि क्या होते हैं। इसलिए आज से इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। 16:8 की कोशिश रहेगी कि 16:8 की फास्टिंग करूँ मैं। सो अभी जाता हूँ मैं दुकान साइकिल से, काम भी उधर और फिर थोड़ा पढ़ाई भी करना है। सो मिलता हूँ आपको सुबह में। तो गाइस, जा रहा हूँ दुकान साइकिल चला के। बज रहे हैं 2 और मैं आ चुका हूँ शॉप से वापस चिकन लेके। चिकन को अच्छे से धो के मैं बॉईल करता हूँ और फिर उसे करूँगा कुक। और मैंने यहाँ से सोची इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँगा कुछ महीने, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टडी करी इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, तो मुझे इसके रिजल्ट से बहुत अच्छे दिखे। बट एक सूटेबल डाइट होनी चाहिए उसके लिए कि क्या कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या लेना है। तो आई एम ट्राइंग, धीरे धीरे परफेक्ट होगा। एकदम से इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी परफेक्ट नहीं होगी। और अभी कल मैंने रात में 11 बजे खाना खाया था, सो मेरी फास्टिंग हो गई अभी 15 घंटे की। अप्रॉक्स 16 घंटे की करनी थी मुझे, बट अब मुझसे सह नहीं हो पा रहा, भूख बहुत ज़्यादा, गुस्सा आ रहा है और चिड़चिड़ी मच रही है, बट धीरे धीरे आदत लग जाएगी। सो अभी मेरे पास 250 ग्राम ऑफ चिकन है, इसे मैं धोता हूँ, फिर करता हूँ मैं इसे बॉयल, फिर इसे करूँगा मैं वेजीज के साथ कुक विदाउट ऑयल एंड विदाउट घी। बॉयल करने रख दिया है 10 से 15 मिनट में से करता हूँ बॉयल। इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दिया, सो इसे करता हूँ बॉयल फिर करूँगा इसे कुक, जब तक मैं अपनी वेजीज को काट लेता हूँ जो भी मेरा अवेलेबल है। मैंने वेजीज मेरी सॉटे कर रहा हूँ, चिकन मेरा बॉयल हो चुका है, मैंने सब छील मतलब कट कर लिया छोटे छोटे पीसों में, धनिया भी काट लिया और इसमें मसाले ऐड करता हूँ मैं, फिर इसको थोड़ी देर बॉयल करता हूँ फिर से। और मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और बॉयल कर रहा हूँ मैं इसे अब, सो इसे होने देता हूँ मैं कुक विदाउट ऑयल और फिर इसे मैं इंजॉय करता हूँ रोटीज़ के साथ। सैलेड तो है नहीं, तो टमाटर ही खा लूँगा सैलेड में उसके साथ। यहाँ पर बनी है मेथी की सब्ज़ी घर पर, थोड़ी सी ये लूँगा चिकन के साथ। सो इसे करता हूँ कुक, फिर मैं करता हूँ इसे इंजॉय। सो गाइस, ये है मेरी मील 1 इंटरमीडिएट फास्टिंग की सबसे पहली मील। यहाँ पर 2 रोटी है मेरे पास, चिकन 150 ग्राम ऊपर से वेजीज, मेथी की सब्ज़ी ग्रीन वेजीज के लिए, सैलेड में मेरे पास है यहाँ पर टमाटो सिर्फ। सो ये है मेरे मील नंबर 1 और इसकी जो कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो मैंने इधर नीचे स्क्रीन पे डाल दिए हैं। देख, खाता हूँ मैं इसे, इन्जॉय करता हूँ। पता लग रही भूख, अब हो चुका मैं रेडी नहा धोकर। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी स्किन और हेयर के लिए गुड़ूची आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ये। क्रीम मैं नहाने के बाद लगाता हूँ, स्किन डिलाइट, और उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और हेयर में मैं यूज़ करता हूँ यहाँ गुड़ूची का केश है, बहुत ही अमेजिंग है ये प्रोडक्ट्स भी। आप भी जा सकते हैं गुड़ूची के, कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और आप अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे सूरी नॉटी तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए गुड़ूची आयुर्वेद पर, उसके प्रोडक्ट्स मंगवाइए, बहुत ही अमेजिंग है और आप भी एक बार रिजल्ट देखिए। तो अभी जाता हूँ मैं दुकान वापस, थोड़ा काम है वो निपटाता हूँ, फिर जाऊँगा जिम। सो मिलता हूँ आपको सून। जा रहे हैं अब हम घर वापस दुकान से। ये देखो लड़ाई चल रही है यहाँ पर, जाएंगे जिम। बज रहे हैं 7:30 और पी रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी और जा रहा हूँ अप्रॉक्स 1 से 1.5 हफ्ते बाद जिम। और बैक अभी भी पेन कर रही है थोड़ी बहुत, बट ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा तो शायद सही हो जाए। सो जाता हूँ मैं जिम, अभी बज रहे हैं 7:30। आज मिक्स ही मारूँगा मैं नॉर्मल 2 चेस्ट 2 बाइसेप 2 ट्राइसेप 2 शोल्डर 2 बैक ऐसे कुछ एक्सरसाइज मिक्स करके आज मारूंगा मैं। सो जाता हूँ मैं जिम। सो गाइस, आ चुके हैं जिम वाली बिल्डिंग में, अब जा रहे हैं ऊपर, शूज आ रहे हैं बैक आफ्टर 2 वीक्स वी आर डूइंग जिम। तो जाता हूँ मैं ऊपर तक जिम। Thank you.
वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर और लेता हूँ मेरी डाइट। बैक और चेस्ट मारी है आज मैंने, और प्लैंक मारी थी एंड में, और ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज करी थी। सो जाता हूँ मैं घर, और बैक अब बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी पहले से। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, ना के बराबर पेन हो रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा लगा आज बहुत दिन हो गए जिम करके। सो गाइज, अभी बज रहा है रात के 10, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मेरी मील 2 इंटरमिटेंट फास्टिंग की। यहाँ पर मेरे पास चिकन, मेथी की सब्जी, एप्पल, और यहाँ पर मेरे पास 2 मल्टीग्रेन ब्रेड। आप रोटी भी ले सकते हैं और कोई भी सैलेड ले सकते हैं। सो इसे करता हूँ मैं इंजॉय, फिर जाता हूँ मैं घूमने। इस खाना खाने के बाद जा रहे हैं हम वॉक पे, 1-2 किलोमीटर करेंगे वॉक, खाने को पचाएंगे, घर जाके थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर सो जाएंगे एज यूजुअल। गाइस अभी बज रहा है 12 रात के, और मैं घूम के आ गया था, और अभी कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। अभी पढ़ रहा हूँ मैं टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, और इस व्लॉग को अपन करते हैं यहीं एंड। और सोने से पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर गुडूची आयुर्वेद की, मेरे पास है केश, एक दिन में टैबलेट लेता हूँ एक रात में सोने से पहले। ये हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग है, नेचुरल फॉर्मेशन है, आयुर्वेदिक फॉर्मेशन से बनी है, कोई बिना विदाउट एनी केमिकल नेचुरली हेयर टॉनिक है। इसे यूज़ करता हूँ मैं, और इसके रिजल्ट्स आपको ब्लॉग्स में दिख ही जाएंगे धीरे धीरे। और अगर आपको मंगवाने गुडूची आयुर्वेद के कोई भी प्रोडक्ट तो मंगवा सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे सूरी नॉटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गुडूची आयुर्वेद की, तो जाइए एक बार गुडूची आयुर्वेद की साइट पर और कोई भी प्रोडक्ट मंगवाइए एंड यूज़ माय प्रोमो कोड सूरी नॉटी। सो गाइज, इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और बैक पहले से थोड़ी सही है मेरी, ज़्यादा पेन नहीं कर रही है, और कल सुबह अगर जल्दी नींद खुली तो रनिंग करने जाएंगे। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम।